है रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से खाली है, कोई भी नहीं है। और इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये ट्रैक जाता है आगे अमृतसर की तरफ, और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये ट्रैक जाता है पाकिस्तान की तरफ। स्टेशन के पास में कुछ बिल्डिंग मुझे दिख रही है, ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जो आगे आप लोग देख रहे हैं, और हो सकता है ये रेलवे की ही बिल्डिंग होगी। और ये रास्ता आगे की तरफ शहर की तरफ जाता है, बाबा डेरा नानक जो गुरुद्वारा साहिब है उसकी तरफ। और यहाँ पे ये है रेलवे स्टेशन, देखिए रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का है। तो ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है, और यहाँ जब आप इसमें एंटर करेंगे ऊपर लिखा हुआ है डेरा बाबा नानक, तो जब आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये यहाँ पे ये टिकट विंडो है जो अभी बंद है, और ये ट्रेनों के मतलब ये रेट लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप अमृतसर तक जाते हैं तो 35 रुपये का टिकट है, बाद बाकी यहाँ पे फतेहगढ़ चूड़िया ये रेलवे स्टेशन है 30 रुपये, यानी यहाँ से आप अमृतसर तक का सफ़र करते हैं तो आपको भाई 30-35 रुपये का टिकट लगने वाला है। और ये कुछ गाड़ियों का समय है जो आप लोग देख सकते हैं, और ये टिकट विंडो है जहाँ पे अभी पूरी तरह से बंद है। अब आगे चलते हैं स्टेशन की तरफ, आप लोगों को एक बार स्टेशन दिखाता हूँ कि स्टेशन पे अभी कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पूरी तरह से स्टेशन खाली है, कोई भी इस स्टेशन पे नहीं है। और इस तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी मतलब स्टेशन आप लोगों को खाली ही मिलेगा। स्टाफ रूम है और ये जितने भी रूम है यहाँ सभी के अंदर ताला लगा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे ताला लगे हुए हैं, और ये स्टाफ रूम है इसमें भी कोई नहीं है, ऊपर ताला लगा हुआ है। ये लोग अभी जब यहाँ पे ट्रेन आएगी उस समय आएंगे। आती थी ये देखो, यहाँ से आगे जो ट्रेन जाती थी वो पाकिस्तान की तरफ जाती थी। और आगे कुछ एक पुराना सा बना हुआ है, ये कुछ एक कमरे टाइप का बना हुआ है ना, ये शायद मेरे हिसाब से ये जो है ना कोठरी, ये यहाँ पे उस समय ये खड़े होने के लिए होगी। यहाँ से ये लाइन चेंज होती है इस वाले तरफ, इसमें जैसे इधर से इस तरफ का देख सकता है, और यहाँ से इस तरफ का देख सकता है, और यहाँ से वो इस तरफ का देख सकता है। यहाँ पे ये अभी खत्म कर दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक चीज देखिए, यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो ये ट्रैक आज भी मौजूद है। ये देखो, ये ट्रैक आज भी मौजूद है। यहाँ पे अगर ये लाइन आप लोग देखेंगे तो ये लाइन आज भी मौजूद है। ये जो लाइन है ये पाकिस्तान की तरफ जाती है, और यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर पे ही आप लोगों को पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धुंध हो चुकी है, वरना आप लोगों को दिखाता है कि इंडियन फ्लैग यहाँ से दिखता है, थोड़ा सा ही आगे है यहीं पे जहाँ पे अपना इमिग्रेशन वगैरह होता है, उसके बाद आगे पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। और इसी ट्रेन से हम अभी जाने वाले हैं, यही ट्रेन रिटर्न भी जाएगी, मतलब ये बेरका से आई और बेरका के लिए ही रिटर्न जाएगी। अब देखते हैं इस ट्रेन के अंदर कितनी सवारी आई हैं, और इसमें ज़्यादा बोगी भी नहीं रहती हैं, वही 4-5 बोगी हैं बस। ये छोटी सी ट्रेन है, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं वही 3-4-5 बोगी हैं इसकी। इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। ट्रेन अभी यहाँ से निकल चुकी है डेरा बाबा नानक से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही गजब के नज़ारे। और खेतों में गेहूं की फसल बिल्कुल ग्रीनरी दिख रही है। आज मौसम साफ नहीं है, थोड़ी सी धुंध है इस वजह से, वरना अगर मौसम साफ होता तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इधर के होते। और दूसरी साइड में भी ऐसे ही है, इधर भी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ये कुछ घर इधर बने हुए हैं तो कुछ घर इस गांव के यहाँ पे बने हुए हैं। पंजाब में जगह जगह पे छोटे छोटे गांव होते हैं। अभी ट्रेन की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है, तो शायद कोई स्टेशन आ चुका है, रतड़ छतड़ करके कुछ है। और ये स्टेशन है देखो, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे भाई, ये स्टेशन है, यहाँ पे कुछ सवारियाँ चढ़ी हैं आप लोग देख सकते हैं। और शायद स्टेशन ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई है भी नहीं। ये देखिए, ये स्टेशन है, यहाँ पे ना कोई स्टेशन मास्टर है, कोई भी नहीं है, ना कोई टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर तो होगा लेकिन कोई टिकट वगैरह यहाँ नहीं मिलता है। स्टेशन का नाम है रामदास, और यहाँ पे भी शायद थोड़े से ही पैसेंजर मुझे लग रहे हैं, पैसेंजर हैं चढ़ने वाले, लेकिन स्टेशन यहाँ पे भी सेम वैसे ही बना हुआ है। देखो, ये लग रहा है किसी तरह से कोई स्टेशन है, ना कोई ट्रैक है ना कुछ है, ये कुछ इस तरह का स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है।